क्या चाइना रशिया से SU-57 के ऊपर कुछ बातचीत कर रहा है? दोस्तों, आपको पसंद आए या ना आए, पर बहुत सारा न्यूज सोर्सेस से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि चाइना SU-57 को लेके थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, और फिलहाल चाइना रशिया का ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर स्टडी कर रहा है। पर दोस्तों, इसमें बड़ी बात क्या है, ऐसा सोचने वाले बहुत लोग होंगे, पर ऐसा सोचने से पहले आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए कि SU-57 या Sukhoi-57 वही एयरक्राफ्ट है जिसके बेसिस पे इंडिया और रशिया मिलके FGFA मतलब फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा था। दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए जानते हैं कि क्या सच में चाइना रशिया से SU-57 को लेके कोई डील करने जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी जानने का कोशिश करते हैं कि इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम लोगों को सुनने को ये आया है कि चाइना रशिया का बनाया हुआ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब Sukhoi SU-57 को लेकर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, और फिलहाल चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री का इंजीनियर्स और साइंटिस्ट Sukhoi-57 को लेकर स्टडी कर रहा है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये रशिया और चाइना का निजी मामला है। वैसे भी रशिया चाइना को बहुत सारा क्रिटिकल वेपन सप्लाई कर चुका है, जैसे Sukhoi-30, Sukhoi-35 और S-400 जैसे मिसाइल। और अगर रशिया और चाइना के बीच में Sukhoi-57 को लेके कुछ डील हो रहा होगा तो उसमें भी क्या नया बात है। पर दोस्तों, अगर ऐसा कुछ बात है तो इसमें इंडिया को भी घबराना चाहिए, क्योंकि Sukhoi-57 वही एयरक्राफ्ट है जिसके बेसिस पे इंडिया और रशिया मिलके FGFA मतलब फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। पर पिछले दिन हम लोगों को यह भी सुनने को आया था रशिया और इंडिया द्वारा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था इससे इंडिया अपना हाथ खींच लिया है। पर रशिया अभी भी ये प्रोजेक्ट को लेके इंटरेस्टेड है, और रशिया के कहने के मुताबिक अभी भी इंडियन साइंटिस्ट के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। साथ ही साथ एरो इंडिया 2019 में रशिया Sukhoi-57 का कुछ एयरक्राफ्ट इंडिया को फ्लाई हुए कंडीशन में भी ऑफर किया था। मतलब अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट से हट भी जाए तो रशिया के ऑफर के मुताबिक इंडिया रशिया से Sukhoi-57 जेट को भी खरीद सकता है। और दोस्तों, अभी का अगर सिचुएशन को देखे तो इंडियन एयरफोर्स का फ्लीट स्ट्रेंथ धीरे धीरे घट रहा है, और इसको रिकवर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से कुछ MiG-29 और Sukhoi-30 MKI भी खरीद रहा है। पर दोस्तों, ये सब फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और इंडिया का जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहा है उसको भी एयरफोर्स में शामिल होने के लिए काफी वक्त लगेगा। और अगर इंडिया अभी फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदेगा तो वो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी पीछे चला जाएगा। मतलब अगर इंडियन एयरफोर्स को अपना शक्ति को बरकरार रखना है तो अभी से ही फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसमें रशिया इंडिया का सबसे पहला दोस्त के हिसाब से आगे आ सकता है। और फ्यूचर में अगर रशिया और इंडिया के बीच में कोई भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डील होता है तो इसमें Sukhoi-57 होने का चांसेस ज्यादा है। और ऐसे हालत में अगर चाइना रशिया से Sukhoi-57 का टेक्नोलॉजी को खरीदता है या कुछ एयरक्राफ्ट खरीदता है तो इंडिया के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, अभी चलिए जानते हैं कि रशिया और चाइना के बीच में ऐसा क्या क्या बात चल रहा है। दोस्तों, चाइना का भी एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है जिसको चाइना J-20 बोलता है, पर अगर टेक्नोलॉजी के मामले में देखे तो ये दुनिया का बाकी जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके सामने टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ भी नहीं है। जबकि रशियन Sukhoi-57 और यूनाइटेड स्टेट का F-22 अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है, और इन दोनों फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में क्लोज कॉम्बैट के लिए गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि चाइनीज J-20 में किसी भी तरीके का क्लोज कॉम्बैट के लिए गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। J-20 के अलावा चाइना J-31 के ऊपर भी काम कर रहा है। चाइना का J-31 एक छोटा आकार का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी होगा, और चाइना इस एयरक्राफ्ट को अपना कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है। मतलब चाइना का फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर में ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो सकता है। J-20 और J-31 के अलावा चाइना एक लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर और एक स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर के ऊपर भी काम करना चाहता है। पर दोस्तों, अगर आप चाइनीज J-20 को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रू स्टेल्थ फाइटर नहीं है, और साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट का इंजन को लेके भी बहुत सारा इशू है, और क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट के लिए इस एयरक्राफ्ट में किसी तरीके का गन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस वजह से चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री का साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के साथ साथ एयरफोर्स के ऑफिसर्स को भी लगता है कि चाइनीज J-20 में कुछ खामियां है, और इसी वजह से चाइना अपना फ्यूचर एयरक्राफ्ट का डिजाइन को बेहतरीन बनाने के लिए
रशिया का सुखोई SU-57 के ऊपर स्टडी कर रहा है। रशिया का सुखोई 57 एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ ड्यूल इंजन लॉन्ग रेंज एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट 2010 में दुनिया के सामने आया था और तब से लेकर अब तक रशियन एयरफोर्स में करीबन ऐसा 10 एयरक्राफ्ट शामिल हो चुका है जिसको टेस्ट पर्पोज और प्रोटोटाइप के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सुखोई 57 को देखा जाए तो रशियन इंजीनियर्स द्वारा हर एक सुखोई 57 को हैंडमेड बनाया जाता है, मतलब इसके ऊपर टेक्नोलॉजिकली और प्रोडक्शन वाइज किसी तरीके का कोई भी खामियां रखा नहीं जाता है। फिलहाल तो इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप वर्जन ही सामने आया है। फिर भी रशिया द्वारा ऐसा दो एयरक्राफ्ट सीरिया में 2018 में डिप्लॉय किया गया था। दोस्तों सीरिया में जो एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया गया था उसको रियल कॉम्बैट सिचुएशन में टेस्टिंग के लिए डिप्लॉय किया गया था। रशिया द्वारा इस एयरक्राफ्ट का फाइनल प्रोडक्शन से पहले पूरी तरह कॉम्बैट सिचुएशन के ऊपर इस एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस को टेस्ट करना था, मतलब रशिया इसका प्रोडक्शन से पहले हर तरह का टेक्नोलॉजिकल और परफॉर्मेंस वाइज जांच करना चाहता है और किसी तरीके का कोई भी रिस्क प्रोडक्शन को लेकर लेना नहीं चाहता है। फिलहाल इसका प्रोटोटाइप के बाद रशिया द्वारा करीबन ऐसा 12 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है जो कि रशियन एयरफोर्स में एक रेगुलर स्क्वाड्रन के हिसाब से काम करेगा और माना जा रहा है कि ये पहला स्क्वाड्रन रशिया को 2019 में ही मिल जाएगा। पर दोस्तों इसके अलावा रशिया द्वारा ये भी डिक्लेयर किया गया है कि फिलहाल रशिया इस एयरक्राफ्ट का मास प्रोडक्शन नहीं करेगा, जिसके पीछे रशिया ने कारण दिखाया उसका मिलिट्री बजट का शॉर्टफॉल। अभी रशिया का इकोनॉमिकल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है जिस वजह से रशिया का मिलिट्री का जो डिफेंस बजट है उसका शॉर्टफॉल दिखाई दिया है, मतलब पहले के तुलना में रशिया का मिलिट्री बजट अभी थोड़ा कम हुआ है और इसी कारण से रशिया ऐसा महंगा एयरक्राफ्ट अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो चाइना का जो J20 एयरक्राफ्ट है वो भी चाइना का दावा के मुताबिक एक स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट 2011 में दुनिया के सामने आया था और 2018 में ही चाइनीज एयरफोर्स में इस एयरक्राफ्ट का पहला स्क्वाड्रन भी शामिल हो चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट के बाद चाइना दूसरा बड़ा कंट्री है जो सबसे ज्यादा परिमाण में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, पर फिर भी चाइना को अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर भरोसा नहीं है जिस वजह से चाइना रशिया का SU-57 के ऊपर स्टडी कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना का जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो क्लोज कॉम्बैट के लिए नहीं बनाया गया है। चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब J20 में लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाया गया है, पर इसमें किसी तरीके का कोई भी गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं पे दुनिया का बाकी जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जैसे कि सुखोई 57 हो या फिर F-22 या F-35, उसमें मिसाइल के साथ साथ एक क्लोज कॉम्बैट के लिए एक गन का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और रशिया द्वारा ये माना जाता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का दौर में भी एक समय ऐसा आएगा जब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को क्लोज कॉम्बैट और डॉग फाइट में भी शामिल होना पड़ेगा और वो सिचुएशन में गन का जगह कोई भी मिसाइल या हथियार नहीं ले सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो मिसाइल को जैम किया जा सकता है, पर गन का जो बुलेट है उसको जैम करने के लिए अभी तक दुनिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट जैमर का इस्तेमाल करके या फिर एक फ्लेयर्स का इस्तेमाल करके मिसाइल से बच सकता है, पर एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट का गन से निकला हुआ गोली से बचाने के लिए अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से अमेरिका और रशिया गन को एयरक्राफ्ट का एक प्राइमरी वेपन के हिसाब से इस्तेमाल करता है। पर चाइनीज ऑफिशियल का कहना यह है कि चाइना का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट छुप के लड़ाई करने के लिए बनाया गया है और इस एयरक्राफ्ट द्वारा चाइना लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट को ही हिट करेगा, जैसे कि दुश्मन कंट्री का मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री टारगेट्स, इंटरसेप्टर और रिकॉग्निशन एयरक्राफ्ट और एवैक्स और फ्लीट टैंकर जैसे एयरक्राफ्ट। चाइना का मुताबिक यही सब एयरक्राफ्ट में हमला करने के लिए चाइना का J20 को बनाया गया है, पर अगर रियल वॉर सिचुएशन को देखे तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट जो एवैक्स को टारगेट करने जाएगा उससे साथ दूसरा एयरक्राफ्ट का डॉग फाइट नहीं होगा बोल के, मतलब चाइनीज एयरक्राफ्ट डॉग फाइट सिचुएशन में बहुत ही कमजोर है और इसी वजह से चाइना अपना जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट का डिजाइन है उसको J20 के बेस में बनाना नहीं चाहता है और चाइना इसी कारण से रशिया का सुखोई 57 के ऊपर ध्यान दे रहा है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो रशिया द्वारा चाइना को बहुत सारा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जा चुका है और अगर चाइना द्वारा रशिया का सुखोई 57 के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया जाएगा तो ऐसा कोई भी बात नहीं है जिससे हम लोगों को लग सके कि रशिया चाइना को ये टेक्नोलॉजी नहीं देगा। दोस्तों पहले भी चाइना के तरफ से रशिया का इक्विपमेंट खरीद के उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना खुद का प्लेन बनाया जा चुका है, जिसका एग्जांपल है चाइना का J7, J11, J15 और J16। इसके अलावा चाइना का बहुत सारा मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो रशियन मिसाइल का कॉपी है और कुछ दिन पहले चाइना द्वारा रशिया का सुखोई 35 भी खरीदा जा चुका है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था सुखोई 35 का इंजन। चाइना सुखोई 35 का इंजन को इस्तेमाल करके रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अपना WS-10 इंजन को बनाना चाहता है और दोस्तों अगर चाइना रशिया से सुखोई 57
57 का टेक्नोलॉजी या फिर कुछ सुखोई 57 फ्लाईवे कंडीशन में लेने में कामयाब हो जाएगा तो उसके बेसिस पे आइदर रिवर्स इंजीनियरिंग या उसका टेक्नोलॉजी को पूरा कॉपी करके चाइना एक नया एयरक्राफ्ट या फिर अपना J-20 या J-31 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर पाएगा। दोस्तों इससे इंडिया को सबसे बड़ा खतरा ये है कि चाइना का एयरक्राफ्ट का टारगेट हमेशा इंडिया ही रहता है। इसके अलावा इंडिया का भी नजर सुखोई 57 के ऊपर है, आइदर फ्लाईवे कंडीशन में या फिर FGFA के सूरत में इंडिया रशिया से भी सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को ले सकता है। और अगर चाइना भी सेम एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा तो इसमें भी इंडिया को जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है उसको लेके थोड़ा बहुत मुश्किलें हो सकता है। तो दोस्तों आगे ये देखना है कि चाइना द्वारा सुखोई 57 को खरीदा जाता है कि उसका टेक्नोलॉजी को लिया जाता है कि नहीं, या फिर रशिया ऐसा टेक्नोलॉजी चाइना को देगा कि नहीं, या फिर हमारे सामने ये भी क्वेश्चन आता है कि चाइना से पहले इंडिया रशिया के साथ ऐसा कोई डील कर ले जिससे चाइना को ये टेक्नोलॉजी ना मिले जबकि इंडिया को ये टेक्नोलॉजी मिल जाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।